26 मैंने अचीव किया है, मैं एक भी मिस मेरा नहीं है। एंड ऐसा पूरे इंडिया में मैं अकेला लीडर हूँ जिसने 100% टूर अचीव किया। इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता गया, सोच और बढ़ती गई, फिर गाड़ियाँ आई, घर बने, और अभी तो कुछ कहना ही नहीं है। अभी इतिहास की और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से इतना बड़ा सिस्टम, इतना बड़ा बिजनेस बन जाता है कि हर महीने कुछ भी मैं चाहता हूँ 50-60 लाख 1 करोड़ का खरीदने का, तो मेरे लिए महीने 2 महीने का खेल होता है। अभी रिसेंटली मैंने लखनऊ में अपना ऑफिस बनाया, करीब 5-6 करोड़ रुपए लग गए हैं उसमें, और उसकी मैं टाइल खरीदने गुजरात गया था, तो मेरे को वहाँ पे थोड़ा वैरायटी मिल जाएगी, मैं इस मामले में बहुत शौकीन हूँ। तो टाइल खरीदने गुजरात गया था और वहाँ पे मेरे को फ्लोर पसंद आ गए, फ्लैट, तो हमने एक साथ 4 फ्लैट, पूरा एक फ्लोर पे 4 फ्लैट बने, तो मैंने कहा चारों बुक कर दो। कहता सर डॉक्यूमेंट दे दीजिए, फाइनेंस करा लूंगा। मैं कहा यार ये फाइनेंस नहीं, हर महीने एक की रजिस्ट्री करा लूंगा। तो अभी मैं परसों एक की रजिस्ट्री करा के फिर आ रहा हूँ, तो हर महीने एक फ्लैट की रजिस्ट्री हो सकती है। और दोस्तों सब कुछ चेंज हो चुका है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन दिया, मतलब इफ़रात लाइफ में जो पैसा चाहिए वो आ रहा है, मिलता गया, और ये सब अभी बिगनिंग है, ध्यान्स की ये एंड नहीं है। अभी क्या है कि हमारे पास कोई काम नहीं बचा है, खाली पैसे आ, कुछ भी नहीं, गाड़ियां लेनी थी, अभी मैंने इनोवा ली, फिर फॉर्चुनर ली, अभी BMW ले रहा हूँ, 1.25 करोड़ की गाड़ी है, और 2025 में जैसे ऑनररी डायरेक्टर होऊंगा तो आपको भी ऐसे हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा, अपना पर्सनल हेलीकॉप्टर दिखाऊंगा। सब कुछ हर इंसान अचीव कर सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं होती। कितने लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट खेला है बचपन में, थोड़ा बहुत बैट बॉल वॉलीबॉल सभी ने खेली है, लेकिन कोहली और धोनी क्यों बने हैं, कोई बता सकता है?